हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट अप एंड डाउन यूट्यूब चैनल पे। मैं कुलदीप आपके लिए अनदर वीडियो के साथ। आज 26 जनवरी और आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ड्यू टू दिस 26 जनवरी मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो काफ़ी लोगों से क्वेरी आता है कि काफ़ी रिसेंटली जो लिस्टेड रिसेंटली जो रिलीज़ IPOs हैं, जैसे कि IRFC, इंडिगो पेंट्स, होम फर्स्ट वाले जो IPOs हैं, उस IPOs का जो लिस्टिंग कब होने वाला है, ये काफ़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं है। इस क्लैरिटी को मैं लेके यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे पूरा चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे फ़िलहाल प्रीमियम क्या चल रहा है, कब लिस्ट होने वाला है और आने वाले टाइम में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूँगा। पहले हम लोग चल लेते हैं कि सबसे पहला इनिशियल लेवल पर जो IRFC वाला जो IPO आया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे जो स्क्रीन IRFC का जो IPO है वो आपको यहाँ पे लिस्टिंग हो रहा है वो 29 जैन को। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इंडिगो पेंट्स का मैं बताऊँ, इंडिगो पेंट्स आपका 2 फेब को लिस्ट हो रहा है। 2 फेब को लिस्ट होने के बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ होम फर्स्ट फाइनेंस IPO वाला है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे IPO लिस्टिंग डेट है वो 3 फेब है। सो ओवरऑल तीनों लिस्ट है वो कंटिन्यूसली और साइमल्टेनियसली 29th, 2nd एंड 3 फेब को रिलीज़ होने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे ग्रे प्रीमियम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ग्रे प्रीमियम की अगर बात करें तो IRFC का जो IPO है वो सिर्फ 0.50 रुपीज़ से ऊपर है, यानी करीबन 50 पैसा ऊपर है, तो इसमें कुछ खासा मोटा प्रीमियम नहीं है। बट अगर यहाँ पे आप इंडिगो पेंट्स का देखोगे तो 800 रुपया यहाँ ऑलरेडी प्रीमियम में है। सो इसके साथ चलते हुए देखते हैं हम लोग होम फर्स्ट IPO एक 140 रुपीज़ अच्छा खासा प्रीमियम में। सो अगर मोटा मोटी देखेंगे तीनों IPO में से होम फर्स्ट IPO एंड इंडिगो पेंट्स बहुत अहम रहते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी सारा प्रीमियम है। और ये प्रीमियम को चलते हुए यहाँ पे इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में लिस्टिंग गेन इसमें बहुत 100% अच्छा खासा मिलेगा। देखते हैं हम लोग कि जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से जा सकते हैं, उस हिसाब से मार्केट की क्या सिचुएशन है। बिकॉज 1st फेब को यहाँ पे बजट है और 2nd फेब को एंड 3rd फेब को यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, तो हम लोगों को देखना है मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, उस बिहेवियर के हिसाब से ही यहाँ पे हम लोगों को लॉन्ग टर्म में अपने डिमैट में रखना है। सो आई होप ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर सोचिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।